नमस्कार, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लिटरी माइंड में। दोस्तों, लास्ट सेशन में मैंने बताई थी आपको गोस्ट की समरी। गोस्ट एक ड्रामा है जिसे लिखा गया है हेनरिक इब्सन के द्वारा। तो वो वीडियो ऑलरेडी लंबी बन गई थी 40 मिनट्स के आसपास, तो जिसके कारण उसमें सिर्फ मैं समरी और एनालिसिस करवा पाया। मैं आपको काफ़ी डीप में समरी दी थी। अगर आप नोवेल नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो आप एक बार वो वीडियो देख लोगे तो काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा स्टोरी से रिलेटेड। दो टॉपिक रह गए थे उसमें, मॉडर्निज्म का और रियलिज्म का। तो ये दो टॉपिक मैं आज के इस वीडियो में करवाऊंगा। बाकी आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देख लो, सारी चीज़ें उसी में है, कवर कर लो तो बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, आपको बेल आइकन वगैरह प्रेस कर देना है। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैनल के अबाउट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी आ जाते हैं हम अपने मेन काम पे, जो कि मेरे को बताना है मॉडर्निज्म के बारे में। तो देखो, मॉडर्निज्म और मॉडर्निस्ट लिटरेचर, तो मॉडर्निज्म कुछ नहीं है, एक वेव समझ लो या फिर एक मूवमेंट समझ लो जो कि आया था। अब इसको मैं समझाने के लिए बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियर कट तरीके से मैं समझा दूं। अब देखो, 14 सेंचुरी की बात करूं मैं, 12th सेंचुरी 14th सेंचुरी की, तो उस टाइम पे लोगों को कुछ भी बोल दिया जाता था धर्म के ठेकेदारों द्वारा, तो उन्हें मानना पड़ता था कि अगर ऐसे नहीं करोगे, बाइबल में ये लिखा है, अगर ऐसे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, या फिर कुछ भी ले लो और भी रिलीजियस बुक्स हैं उनमें ऐसे लिखा है कि अगर ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब लोगों, अब धीरे धीरे टाइम बढ़ा, लोगों ने पढ़ना सीखा, तो जब उन्होंने खुद बाइबल पढ़ा तो पाया कि नहीं, ये तो हमें पागल बना रहे थे। तो ऐसे ही जो टाइम के साथ साथ जो है मूवमेंट्स चलती रहती हैं, तो लोग क्या करते हैं, रीजनिंग पावर गेन कर रहे होते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, फिर अथॉरिटी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। समझ आई ये चीज़? तो यही जो है डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स लेके आती है। फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डेवलप होती है, तो आपका क्या आता है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की जो है डिमांड उठती है। नई नई टाइप की फिलोसोफीज जो है समाज में उठती हुई दिखाई देती हैं। अब हो गया ये। अब उसके बाद है विक्टोरियन एज में, विक्टोरियन नॉवल्स आती हैं जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट की फिर चीज़ें आती हैं, और उसके बाद रोमांटिसिज्म आता है, उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, और नेचर के प्रति जो है मूव करता हुआ दिखेगा सब कुछ। उसके बाद क्या है, रोमांटिसिज्म के बाद आपका फिर और डिफरेंट टाइप्स के लिटरेरी मूवमेंट आते हैं, फिर एक मेन मूवमेंट आता है मॉडर्निज्म का। तो मॉडर्निज्म एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ पे, देखो मॉडर्निज्म का जो मूवमेंट था, पहले मैं बता दूँ इसका टाइम लाइन क्या है, 19th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी के बीच का है। अब जब 19th एंड 20th सेंचुरी की बात करूँ, तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। 1920 के बाद, कुछ दिनों बाद ही, तो फिर World War I, World War II ये सब देखा था, मतलब आप समझ सकते हो कि एटम बम हमने बना लिया था। तो समझ लो कि बिल्कुल ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पावर आ गई थी हमारे हाथों में। तो अब ऑब्वियस सी बात है, मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट होगा, हमारे पास मॉडर्न आइडियाज़ होंगे। तो मॉडर्न का मतलब ही है कि आप बिल्कुल भी उन गांव देहातों के लोगों जैसा मत सोचना, मतलब आपके पास रीजनिंग पावर होगी। आपको कोई पुलिस पकड़ने आएगी तो आप पूछोगे ना, भाई क्यों पकड़ रहे हो, ऐसा तो नहीं बोलोगे कि हाँ मेरे को पकड़ के ले चलो। तो यही रीज़न है कि मॉडर्निज्म में जो है एक रीजनिंग पावर डेवलप हुई आप लोगों के, मतलब एक रीजनिंग पावर डेवलप की गई बाय दीज राइटर्स, मॉडर्निस्ट राइटर्स। तो लिटरेचर के फील्ड में जो भी इस टाइम के बीच में लिखा गया, लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के बीच में, दिस इज़ कॉल्ड मॉडर्निस्ट लिटरेचर। तो इसमें खूबी क्या क्या मिलेगी वो मैं सारी चीज़ें बता दूँ एक बार, बस आप एक बार पढ़ लो। ब्रॉडली स्पीकिंग, मॉडर्निज्म माइट बी सेड टू हैव बीन कैरेक्टराइज्ड बाय अ डेलिब्रेट एंड ऑफन रेडिकल शिफ्ट अवे फ्रॉम ट्रेडिशन एंड कंसिक्वेंटली बाय द यूज ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि उन दकियानुसी बातों से मूव करना, उन फिलोसोफीज से मूव करना कि नहीं तुम्हें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब भाई क्यों करना चाहिए, अगर उसमें कुछ कैपेबिलिटी है ही नहीं, वो खुद गंदा इंसान है, तो उसकी रिस्पेक्ट क्यों करो। तो यही पावर जो है आपको मॉडर्निज्म में आपको मिलेगा, मतलब आपके पास एक रीजनिंग पावर डेवलप हुई, आप उन ट्रेडिशंस को ठुकरा रहे हो जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अगर मतलब साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है उनको आप ठुकरा रहे हो। दैट इज मॉडर्निज्म, यही तो मॉडर्निज्म है। आप जो है डेलिब्रेट होके, आप एक डेलिब्रेट शिफ्ट चाह रहे हो उन ट्रेडिशन से, दिस इज मॉडर्निज्म। तो ये जो है एक मूवमेंट थी जो कि इस टाइम के बीच हुई, लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के बीच में, जहाँ पे आर्ट के फील्ड में भी, चाहे आप पेंटिंग देख लो, पेंटिंग में भी एक रेडिकल शिफ्ट हुआ था, और लिटरेचर का तो मैं बता ही रहा हूँ आपको लिटरेचर में कैसे शिफ्ट हुआ। लोगों के पास जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पावर आई तो उन्होंने नया नया सोचा,
नई नई चीज़ें सोचना स्टार्ट कर दी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये रहा अमेरिका, यहाँ पे है अपना एशिया। तो लोग सोचते थे कि अगर कोई इधर से इधर मूव कर गया, ये जो समुद्र वगैरह है, ये सी वगैरह ओशन वगैरह लांग के गया तो वो मर जाएगा। बट जब ये आपका टेलीकॉम सुधरा, मतलब जब जो टेलीकॉम सुधरा, मतलब जब कनेक्टिविटी ईजी हुई, तो लोगों ने पाया कि वर्ल्ड तो बहुत छोटा है, वर्ल्ड बहुत छोटा है। तो उन्होंने पाया कि वर्ल्ड जब बहुत छोटा है तो उन्होंने पाया कि हम अपनी बात को बहुत दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो मॉडर्निज्म के कई और कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे लिंक होते हुए, ठीक है। बाकी मैं एक बार मेन करेक्टरिस्टिक्स दिखा देता हूँ आपको मॉडर्निज्म के, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। कोई मानता है 1880 से 1940 के बीच में, बट वही मैंने आपको बताया कि लेट 19th और अर्ली 20th, तो ये रहा, यही है टाइम पीरियड जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिखेंगी आपको इस टाइम पे, एक एक करके मैं बता रहा हूँ आपको। आपका एक कॉन्सेप्ट उभरता हुआ दिखेगा इंडिविजुअलिज्म का, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म, देखो मॉडर्निज्म में और एक चीज़ आपको मिलेगी, आप जो है ऐसे सोचने लगोगे कि सामने वाला अगर ये पहन के जा रहा है तो मैं भी ऐसा ही पहनूँ, मैं भी ऐसा ही दिखूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप उभरता हुआ देखोगे, ठीक है। बाद में ये पोस्ट मॉडर्निज्म में ये कैसे इफेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। तो मॉडर्निस्टिक लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि वर्ल्ड जो है चेंज हो रहा था, तो आप अपने आप को किस टाइप से चेंज करने लगे। मतलब अब बताओ, अगर सोसाइटी चेंज हो रही है तो सोसाइटी का चेंज होने का कुछ हो रहा है तो आपको कहाँ से पता लगता है, कुछ आया है, पैंडेमिक आई है, कुछ भी आया, कहाँ से पता लगता है? टीवी वगैरह, उस टाइम पे टीवी वगैरह तो थे नहीं, तो कहाँ से पता लगेगा आपको? राइटिंग वर्क से, यानी कि लिटरेचर के फील्ड से। तो यही है कि वर्ल्ड वॉर जब इधर, मतलब वर्ल्ड वॉर तो उस टाइम पे नहीं हुआ था वैसे, 1880 के बाद में हुआ था वैसे। तो सोसाइटी फिर भी चेंज होना स्टार्ट हो गई थी जब इतना साइंस एंड डेवलपमेंट हो चुका था, एरोप्लेन वगैरह वगैरह तो बनी चुकी थी इस टाइम तक में, ठीक है। तो लोग कैसे चेंज होंगे अपने आप को, तो एक इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट आया कि अगर आप नहीं चेंज हो रहे, अगर आप फिर भी उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए रह रहे हो, ओल्ड ट्रेडिशन में, तो फिर आपको ये चीज़ें फिट होती हुई नज़र नहीं आएंगी सोसाइटी में, जो मॉडर्न साइंस है वो फिट होती हुई नज़र नहीं आएंगी। तो लोगों ने इसको उभार पाया, इसमें से अपने आप को बाहर निकाला उन ओल्ड ट्रेडिशन से, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप होता हुआ दिखेगा आपको, कहीं पे भी आप पढ़ लो मॉडर्निस्ट लिटरेचर अगर पढ़ोगे तो आप, ठीक है। बाकी आपको एक बार ये मिल जाएगा, ये मैं दे दूंगा आपको, लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और एक्सपेरिमेंटेशन एक होता हुआ दिखेगा, बहुत सारे ऑथर्स ने जो है बहुत सारा कुछ किया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस जैसे आपको मिलेगा वर्जीनिया वुल्फ वगैरह वगैरह के कामों में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस मिलेगा जहाँ पे वो स्टोरी में बहुत सारी कन्फ्रंटेशन, मतलब देख लो एक बार, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस क्या होता है, एक नैरेटिव मोड होता है जिसमें जो है बहुत सारे थॉट्स जो है दिखाई देते हैं एक करेक्टर के माइंड में, फिर वो स्टोरी जो है चलती है फिर लूसिड वे में, ठीक है। तो ये भी दिखेगा। एक चीज़ और दिखेगी आपको मॉडर्निस्ट लिटरेचर अगर पढ़ रहे हो आप, एब्सर्डिटी दिखती है। एब्सर्डिटी क्यों? देखो मैं ये बता रहा हूँ, जब वर्ल्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी डेवलपमेंट हो गई, और जब नहीं था कुछ, जब रिलीजन था सिर्फ, और जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब क्या हुआ, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई तो वर्ल्ड वॉर वन हुआ, फिर कुछ दिनों बाद वर्ल्ड वॉर टू हुआ। लोगों के माइंड में ये आया कि यार इतने बड़े बड़े लेखक चाहे हो, चाहे पोएट हो, चाहे ड्रामेटिस्ट हो, वर्ल्ड वॉर वन में मर गए, काफ़ी लोग मरे थे, ऑब्वियसली बात है काफ़ी लोग मरे थे, कुछ लीडर्स मरे। तो इन्होंने ये देखा यार लाइफ कितनी एब्सर्ड है, हम इतना कुछ सीखने के बाद भी हम एक दूसरे को मार काट रहे हैं, कितना वायलेंस है, सेंसलेस है सारी चीज़ें। वर्ल्ड इतना क्लोज होने के बाद भी हम, जब वर्ल्ड इतना क्लोज आ गया फिर हम लड़ रहे हैं, जब वर्ल्ड क्लोज नहीं था हम ट्रेड बढ़ा रहे थे, तो सारी चीज़ें कितनी एब्सर्ड है। तो इन्होंने एक एब्सर्डिटी की भी जो है आपको थीम मिलेगा मॉडर्निज्म में, ठीक है। बाकी सिम्बोलिज्म तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, सिम्बोलिज्म जैसे, सिम्बोलिज्म नई चीज़ तो नहीं है बट नए तरीके से जरूर इस्तेमाल किया गया था कहाँ पे, मॉडर्निज्म में। जैसे अगर मैं आपको, आपने पढ़ा हो राइनोसोरस पढ़ा हो आपने, आयुनेस्को के द्वारा लिखी गई थी, तो उसमें एक राइनोसोरस के बारे में बताया गया है कि कैसे शहर में आ जाता है। तो राइनोसोरस इज नथिंग बट एक्चुअली द फिगर ऑफ फासिज्म। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको सोसाइटी में मिलेंगी जिसके थ्रू से एक नई सिम्बोलिज्म का मतलब क्या है, चीज़ कुछ और होती है बट उसका रिप्रेजेंटेशन आप कुछ और करते हो सोसाइटी में। जैसे राइनोसोरस स्टोरी की अगर मैं बताऊं, आप देख सकते हो वो भी मेरे चैनल पे डली हुई है, आप बस सर्च करना राइनोसोरस, ये भी थर्ड ईयर में ही है सिलेबस में DU के, तो आप देख सकते हो। तो सिम्बोलिज्म भी जो है एक नया कॉन्सेप्ट है, नया तो नहीं कहूँगा बट एक नई तरीके से यूज़ किया जाता है मॉडर्निस्ट लिटरेचर में, ठीक है।
तो वापस आ जाती है इस पीडीएफ में। एक बार और देख लेते हैं। तो मॉडर्निस्ट लिटरेचर की अगर बात करें तो आप जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज से उठते हो ऊपर, ठीक है, आप साइंस और टेक्नोलॉजी को पहचानते हो, अपने रीजनिंग पावर को डेवलप करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं सिग्निफिकेंट डेवलप हो रही थी साइंस वगैरह में, तो आप देख लेना। ये सारा कुछ मैंने आपको जस्ट सिंपल फॉर्म में बता दिया है। देखो डोगमा वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। जब भी आपके पास रीजनिंग पावर आएगी तो आप अथॉरिटी के खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकते हो, ये चीज़ बस याद रखना आप। तो मॉडर्निज्म ये पावर दी। अब अर्ली मॉडर्न क्या क्या था कि मॉडर्निज्म ऐसा नहीं है कि अचानक आ गया। मॉडर्निज्म तो उस टाइम को भी कह सकते हो आप जब टेक्नोलॉजी वगैरह आ रही थी, उस टाइम पे भी तो धीरे धीरे डेवलप हो रही थी चीज़ें। बट हमने स्पेसिफिकली डिवाइड किया इसको 1882 1920 या 1940 के आसपास। तो इस पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएंगी। मैं इतना ज़्यादा नहीं बता रहा, मैंने आपको जस्ट ये कहा था कि मैं आपको लेमन डेफिनेशन में समझाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने आपको मॉडर्निज्म समझा दिया। अब ये कहाँ से कैसे लिंक हुई है स्टोरी में, ये अब नेक्स्ट पार्ट है अपना। बट रियलिज्म एक बार देख लो, विकिपीडिया के अनुसार रियलिज्म का मतलब होता है नेचुरलिज्म, जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही प्रेजेंट कर देना, ठीक है, जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही प्रेजेंट कर देना। अब मैं मान लो कि मैं गरीब हूँ बट मैं फिर भी शो ऑफ करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहा हूँ, तो दैट इज़ नॉट नेचुरलिज्म। रियलिज्म क्या बोलता है, अगर तुम गरीब हो तो फटे हुए जूते अगर तुम्हारे पास है तो वही पहन के जाओ, जरूरी नहीं है कि तुम्हें अपने दोस्त से मांगना है। तो रियलिज्म इन आर्ट्स इज़ रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग ट्रूथफुली। कोई भी मैटर हो या फिर कुछ भी आर्ट इन द फील्ड, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ आर्ट, मतलब पेंटिंग नहीं कहता मैं सिर्फ आर्ट का, मतलब आर्ट कुछ भी हो सकता है, डांस हो सकता है, आपका आर्ट लिटरेचर में हो सकता है, कुछ लिख रहे हो आप, तो जैसा आता है जो आता है जैसी चीज़ें हैं सोसाइटी में उसे वैसा ही प्रेजेंट कर देना अगर लिखित फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड रियलिज्म इन लिटरेचर, ठीक है। सोसाइटी अगर गंदी है और उसको वैसे ही प्रेजेंट कर रहे हो आप अपने लिटरेचर में, तो ठीक है रियलिज्म है लिटरेचर में, ठीक है, लेकिन आप बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हो किसी चीज़ के बारे में जो कि है ही नहीं सोसाइटी में, तो फिर वो नेचुरल नहीं होगी, अनरियलिस्टिक होगी वो, ठीक है। तो ये तो रियलिज्म भी बता दिया मैंने। तो आपको अब पूछोगे कि रियलिज्म कहाँ है स्टोरी में, घोस्ट स्टोरी में रियलिज्म कहाँ है। तो रियलिज्म तो आपको भर के मिलेगा। रियलिज्म का मतलब क्या था, जैसे मैंने भी बताया कि भाई जो चीज़ परेशानी है उसे वैसे ही प्रेजेंट कर देना, सोसाइटी में कोई दिक्कत है तो उसे वैसे ही प्रेजेंट कर देना, तो बिल्कुल है इस स्टोरी में। गोस्ट में कहाँ नहीं आपको मिला, आपको पता होगा सिफिलिस नाम की जो मैंने बीमारी बताई थी, नोरियल बीमारी जो होती है ये आपकी प्राइवेट पार्ट्स में जो हो जाती है कई बार, ठीक है, जो आपकी पूरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन देती है, उसके बाद जो कई बार होता है कि रीज़न एक डेथ का भी कारण बन जाती है कई बार, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके प्राइवेट पार्ट्स में होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल शो की गई है स्टोरी में। कुछ लोग जो है, जब इब्सन ने ये स्टोरी लिखी थी तो उन्होंने बोला कि यार, मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज किया कुछ क्रिटिक्स ने कि ये सब लिखने की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो लिटरेचर में इन्होंने वो सारी चीज़ें डाली, जैसे उसके एल्विंग मिसिज एल्विंग के साथ मिस्टर एल्विंग ने धोखा किया, प्यार मतलब शादी इससे कर रखी थी बट अफेयर एक मेड के साथ चल रहा था जोहाना नाम से, आपको स्टोरी नहीं पता प्लीज़ देख लेना। तो चीटिंग का, फैमिली सीक्रेट का, कैसे छुपाई रखी थी, बेटे को कोई बीमारी है, बाप से ट्रांसफ़र हुई है ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुई है बाप से बेटे में, बेटे को भी वही बीमारी हो गई है जो बाप को थी, तो वो चीज़ें जैसे थी वैसे ही शो किया है इब्सन ने, कोई चीज़ छुपाई नहीं है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये जो बीमारी थी सिफिलिस की, जो कि आप प्राइवेट पार्ट्स में हो जाता है मेल और फीमेल दोनों के ही सेक्सुअल इंटरकोर्स के, एक इन्फेक्शन टाइप का होता है जो कि आपके पूरे जो है सेक्सुअल पार्ट्स को जो है मेल और फीमेल दोनों के पार्ट्स को जो है सड़ाने लगती है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो ये चीज़ जो थी यूरोप में जो बीमारी फैली थी उस टाइम पे, उन्होंने शो किया है इब्सन ने, उन्होंने कोई छुपाई नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि हाँ रियलिज्म है, रियलिज्म सिंबोलिज्म सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो रियलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म, मैंने बता दिया आपको। अब मॉडर्निज्म कहाँ मिलेगा, मॉडर्निज्म के मैं बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, कॉन्सेप्ट के एग्जांपल दूंगा अभी, ठीक है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को मॉडर्निज्म के बारे में थोड़ा बहुत बताऊँ, एक चीज है इसी स्टोरी में, हेनरिक इब्सन की स्टोरी में, पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको इसमें। ये चीज़, ये जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, टिल देन बी रेडी फॉर दैट। ये टॉपिक है पोस्ट मॉडर्निज्म कैसे लिंक है इसमें, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, अगर आपको जानना हो तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखना। बस इस वीडियो में मैं आपको मॉडर्निज्म के बारे में बताता हूँ। मॉडर्निज्म में मैंने आपको बता दिया नई फिलोसॉफीज, पुराने ट्रेडिशंस को नकारना, नई ट्रेडिशंस जो उभर के आई हैं सोसाइटी में साइंस के थ्रू से या टेक्नोलॉजी के थ्रू से, उन्हें एक्सेप्ट करना,
तो ये आपको चीज़ें मिलेंगी, मिलेंगी कि नहीं देखो आप। एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर मैं पहले की बात करूँ बाइबल के हिसाब से, तो फिर ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही गलत थी। जैसे एक एक अपने वाइफ को धोखा देना, मतलब शादी किसी और से करना बट अफेयर किसी और के साथ चलाना, जैसे मिस्टर एल्विन का जुआना के साथ चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अगर ये फिर इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिंक करूँ आज की प्रेजेंट सोसाइटी के हिसाब से, मतलब इस सोसाइटी के हिसाब से, तो फिर इन्होंने, इनका तो एक मॉडर्न अप्रोच था कि नहीं वाइफ है तो क्या हुआ, एक अलग से जो है एक अलग अफेयर चलाता हूँ। सिमिलरली इंग्लैंड का अपनी बेटी रजीना को बोलना कि मैं एक वो क्या कहते हैं प्रोस्टिट्यूट हाउस खोलूँगा, तुम उसमें आ जाना। देख सकते हो आप कि किस टाइप की मतलब चीज़ें सो रही है इसमें। पेस्टर मेंडर है एक मॉडर्निस्ट आपको मिलेगा बंदा पूरी स्टोरी में, जो कि नई चीज़ों का अप्रोच तो रखता है नहीं, बट हाँ इसमें भी कुछ हैं, कुछ डोगमाज ये भी प्रेजेंट करता है, कुछ फिलोसफी से वो भी ये भी प्रेजेंट करता है ऐसी जो कि ट्रेडिशनल होती हैं। जैसे इसको बोलता है, मिसेज एल्विन को बोलता है कि मतलब मिसेज एल्विन को या फिर ओसवाल्ड को बोलता है कि तुम्हें अपनी मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मिसेज एल्विन को बोलती हैं आपका हस्बैंड जैसा भी था बट फिर भी आपको जो है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक ऑर्फनेज बनाना चाहिए आप लोगों को। तो ये करेक्टर आप देख रहे हो, चाहे आप कितने मतलब मॉडर्निज्म आ चुका था, मॉडर्निस्ट कॉन्सेप्ट था, बट फिर भी चीज़ें पीछे से लिंक हो रही हैं ट्रेडिशन से, ठीक है। तो एक ड्विंडलिंग आपको दिखेगी स्टोरी में। तो मॉडर्निस्ट व्यू आपको मैंने दिखाई दिया कि कैसे जो है ये इसके साथ अफेयर चलाता है जुआना के साथ वगैरह वगैरह। तो ये सारा एक मॉडर्निस्ट व्यू था जो मैं प्रेजेंट करना चाहता था। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आप लोगों के लिए, वो पोस्ट मॉडर्निस्ट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप देखना इसे, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। टिल देन बाय, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। इसी वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को जो है पिन कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी आपको पिन करी हुई मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इसी वाले टॉपिक का, पोस्ट मॉडर्निस्ट रीडिंग ऑफ हेनरिक इब्सन्स गोस्ट। अब मॉडर्निज्म के बाद आता है पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। तो जानेंगे इसमें क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ, अगर आपको कुछ सीखना है लाइफ में तो ये पीडीएफ आपको जो है काफ़ी हेल्प करेगी, अब देखना कैसे, ठीक है। टिल देन मिलते हैं, बाय दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ और, आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हो कोई भी क्वेरी है, और टेलीग्राम पे जो है नोट्स प्रो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम जहाँ से आप जो भी जैसे भी शेयर करना चाहते हो इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।